एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो अभी बज रहा है सुबह का 11 और आज दिन है सोमवार और डेट है 20 मई। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल बटन ज़रूर ऑन करें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर मैं बैठी हूँ, अभी हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है। आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए थे अप्पे, और अप्पे की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पर्सनली एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ अप्पे की रेसिपी ही दिखाऊंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, आज आई हुई हैं मम्मी, तो मैंने सोचा चलिए कुछ अच्छा बना लेते हैं। और लंच में मैं बनाऊंगी आज लौकी के कोफ्ते, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पूरी शेयर करूंगी। और अभी मैं आप लोगों को मम्मी से भी मिलवाऊंगी, तो देखिए मम्मी क्या कर रही हैं, देखते हैं मम्मी कहाँ हैं। हाय, मम्मी यहाँ पर पी रही है मैंगो जूस, आप लोग भी पी लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आप लोगों को मम्मी को दिखाया, मम्मी मैंगो जूस पी रही है क्योंकि अब मम्मी को आज शाम, मम्मी पूरे दिन के लिए आई हुई है, अभी रुकेंगी और मम्मी शाम को यहाँ से चली जाएंगी। तो फिर चलिए किचन में चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं लौकी के कोफ्ते, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है और डिनर भी, वो सॉरी लंच भी बनाना है। अगर मैं अभी शुरुआत नहीं करी तो फिर लंच टाइम तक लंच बन भी नहीं पाएगा। और मैं आज बनाऊंगी लौकी के कोफ्ते के साथ बूंदी का रायता, चावल, रोटी, सलाद, पापड़, जो सब की चीज़ें तो ये ऑलरेडी होती ही हैं। तो फिर चलिए चलते हैं किचन में, बनाते हैं लौकी के बनाना शुरू कोफ्ते। करते हैं कोफ्ते। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने ये लौकी ली है। लौकी को मैंने कद्दूकस करके इसको अच्छे से मैंने सुखा लिया है। और इसके बाद मैंने लिया है ये जीरा, ये हाफ टेबल स्पून जीरा है, ये 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और ये हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम गरम मसाला, हींग और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ये कोफ्ते बनाने के लिए लिया मैंने बेसन, ये मैंने 3 टमाटर थे इनको मैंने पीस लिया है, और इसमें मैंने पीसा है 3 प्याज, 4-5 कली लहसुन की, और 4 लाल मिर्च, और थोड़ी सी अदरक को मैंने पीस लिया है। तो चलिए पहले बनाना शुरू करते हैं कोफ्ते के लिए पकौड़ी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लौकी को अच्छे से निचोड़ लिया था, इसका पानी निकाल लिया था। इसमें मैं डालूँगी बेसन, ये मैं इसमें अभी 4 चम्मच बेसन डाल रही हूँ, बाकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो और डालूँगी। इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी लाल मिर्च, और इसमें डालूंगी ये थोड़ी सी हींग। और इसको हमें पानी यूज नहीं करना है क्योंकि लौकी अभी खुद ही इसमें पानी छोड़ती है, तो इसको हमें ऐसे ही अच्छे से इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेना है। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और मैंने यहाँ पे ले लिया है कढ़ाई में तेल, और तेल भी पूरा अच्छी तरह से गरम हो चुका है। तो अब मैं इसमें बनाऊंगी कोफ्ते। अब इनको मैं अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक
पका, अभी इनको छेड़ूंगी नहीं जब तक ये पूरे अच्छे से, थोड़े से साइड्स पीछे से अच्छे से लाल नहीं हो जाएंगे तभी मैं इनको पलटूंगी। ये देखिए जो जो पीछे से सिक गए हैं उनको मैं पलट लूंगी। देखिए मैंने यहाँ पर सारे पलट दिए हैं, अब मैं इनको जब ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब मैं सबको निकाल लूंगी। ये देखिए मेरे कोफ्ते अच्छे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, जो जो अच्छे ज़्यादा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया उनको मैं टिश्यू पेपर में निकाल लूँगी। जैसे ये देखिए ये एकदम हो गए हैं तो इनको मैं टिश्यू पेपर में निकाल लूँगी। एक्चुअली ये सभी हो गए हैं, मैं सबको ही निकाल लेती हूँ टिश्यू पेपर में। और ये जो तेल है ये तेल मुझे इतना नहीं चाहिए तो मैं इस तेल को एक कटोरी में अलग से निकाल करके रख दूंगी। जितना मुझे कोफ्ते में चाहिए होगा मैं सिर्फ उतना ही इसमें डालूंगी। तेल मेरा देखिए गरम हो गया है, वो गरम क्या ऑलरेडी से गरम ही था, इसी में मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये जीरा, थोड़ी सी हींग। हींग जीरा हो जाने के बाद मैं इसमें ये प्याज की जो प्यूरी मैंने बनाई थी ये मैं ये डाल दूंगी। ये देखिए मैंने प्याज इसमें डाल दिया है, अब मैं इस प्याज को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूंगी। देखिए प्याज मेरा अच्छे से भून चुका है और इसने तेल भी अच्छे से छोड़ दिया है। अब मैं इसमें रूटीन के मसाले ऐड कर दूंगी। मैं इसमें डालूंगी ये हल्दी, क्वांटिटी मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ये धनिया, लाल मिर्च, ये गरम मसाला, जीरा पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक मैं ऐड करूंगी। इसको एक अच्छा सा मिक्स दे दूंगी। इसको अच्छे से भून जाने दूंगी कि ताकि ये मसाले जो हैं ये कच्चे बिल्कुल भी ना लगे, इनको अच्छे से मैं भून लूंगी। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी, थोड़ा सा ही डाला है मैंने एकदम। अच्छे से भून लूंगी। पानी मैंने इसमें इसलिए डाला है जो मैंने मसाले डाले हुए थे वो जले ना, उनमें पानी हल्का सा डाल दो तो मसाले अच्छे से भून जाते हैं। अब मैं इन मसालों को अच्छे से भून लूंगी। ये देखिए मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब मैं इसमें मलाई डालूंगी। मलाई पूरी तरह से ऑप्शनल है, मुझे बहुत पसंद आती है मलाई तो इसलिए मैं डाल देती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इसको बिल्कुल से स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। अच्छे से इसको एक मिक्स दे दूंगी मैं। ये देखिए मलाई इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब मैं इसमें ये पिसा हुआ टमाटर डाल दूंगी। मैं खड़े मसाले इसमें बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली को खड़े मसाले पसंद नहीं है। पीसे मसाले कितने भी डाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे हस्बैंड जो हैं वो खड़े मसाले नहीं खाते हैं, उनको पसंद नहीं आते हैं। अब इसको मैं खूब अच्छे से पका लूँगी जब तक ये टमाटर तेल ना छोड़ दे, मैं इसको ढक के पका लूँगी। ये देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है,
इसको मैंने ढक्कन लगा करके भून लिया था अच्छे से, बीच बीच में चलाती रही हूँ। ये करीब 3 से 4 मिनट में इस तरह का भून के रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा, क्योंकि जो ये पकौड़ियाँ हैं जब मैं इसमें इसको डालूंगी तो तब भी ये पानी काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो आपकी ग्रेवी फिर गाढ़ी हो जाएगी। और डालूंगी पानी। आप अपने अकॉर्डिंग पानी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा पतला खाना है, आपको राइस के साथ खाना है तो इसको पतला बना सकते हैं, आप इसको रोटी के साथ खाएंगे तो इसको थोड़ा सा ग्रेवी बना सकते हैं, और मैं इसको राइस और रोटी के साथ खाऊंगी इसलिए मैं इसको थोड़ा पतला ही बनाना प्रेफर करूंगी। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अब इसको खूब अच्छे से खौला लूँगी। जब इसमें जब ये पक जाएगा खोलते खोलते, तब मैं इसमें ये पकौड़ियाँ ऐड कर दूँगी। देखिए सब्जी ये बॉयल हो रही है, तो जब तक ये सब्जी बॉयल होके पकेगी तब तक मैं इधर अपना बूंदी का रायता बना लूँगी। तो मैंने इसमें दही और बूंदी पहले से मिक्स करके रख दी थी ताकि ये बूंदी अच्छे से फूल जाए। इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हरी धनिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मैं डालूँगी काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा जीरा पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। रायता बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस चीज़ें आपके पास अगर हैं तो रायता क्विकली बन जाता है। गर्मियों में मैं दो ही तरह का रायता बनाती हूँ, या तो मैं बूंदी का बनाती हूँ या तो फिर खीरे का, और कभी कभी मैं पुदीने का भी बना लेती हूँ। मैंने पुदीने की पत्तियाँ सुखा करके रख ली हैं। अगर आप चाहें तो इसमें पुदीने की जो सूखी वाली पत्तियाँ होती हैं उनको हाथ से क्रश करके भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास हरी पत्तियाँ हैं तो उसको आप मिक्सी में पीस करके इसमें मिला सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रायता बनता है। तो देखिए बन चुका है मेरा रायता। आज मैं लंच में बना रही हूँ बूंदी का रायता, ये कोफ्ते और चावल और रोटियाँ बनाऊँगी मैं। तो जब ये सब्ज़ी खौलने लगेगी तब मैं, देखिए वैसे तो ये पक चुकी है, चलिए मैं इसमें अपने कोफ्ते डाल देती हूँ। ये देखिए अच्छे से बॉयल हो रही है और सब्जी का कलर भी कितना अच्छा आया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा सब्जी का कलर आया है। चलिए मैं इसमें कोफ्ते डाल देती हूँ। इसको मैं थोड़ी देर अच्छे से पका लूँगी, ज़्यादा देर नहीं पकाऊँगी, नहीं तो फिर ये कोफ्ते एकदम से इसमें मिक्स हो जाएंगे। थोड़ी ही देर पकाऊँगी क्योंकि मैंने मसाला ऑलरेडी से पका लिया है, अब कोफ्ते मैं इसमें सिर्फ थोड़ी देर पकाऊँगी। ये देखिए रेडी हो चुकी है मेरी सब्ज़ी। अब मैं इसमें लास्ट में ये धनिया डाल दूँगी और इसको एक अच्छा सा मिक्स दे दूँगी। गैस कर दूंगी मैं बंद। देखिए कितना अच्छा सब्जी का कलर आया है। देखिए रेडी हो चुका है मेरा आज का लंच। आज के लंच में है लौकी के कोफ्ते, बूंदी का रायता, चावल, सैलेड, पापड़ एंड रोटी। तो आप लोग भी खा लीजिए। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे हो रही थी रसना पार्टी। एक्चुअली में रोज़ शाम को बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, तो 2-3 दिन से ये भी बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगे हैं, तो मैंने सोचा लिए आज बच्चों को थोड़ा सा रसना पिला के गर्मी में ठंडा ठंडा कर दिया जाए। तो वही मैंने रसना बनाया था और आप लोगों ने भी देखा कि कैसे बच्चे रसना इंजॉय कर रहे थे, और मैं भी यहाँ पर पी रही हूँ रसना।
और मम्मी चली गई हैं क्योंकि टाइम हो रहा है अभी 6 बज रहा है, और तो मम्मी जा चुकी हैं और लंच वंच सब कंप्लीट हो चुका था। मैं आप लोगों को दिखाई चुकी थी, कोफ्ते बहुत अच्छे बने थे। एक बार आप लोग भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस आज यहीं तक की थी मेरी ये वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।